को शिकस्त दिलाई और अब इस मुकाबले में देखना पड़ेगा फिर से एक बार इन एक्शन नजर आएंगी टीम जामनेर सामने टीम मेगास कलेक्शन एंड मिस्टर रोल वाला। अनंत मावली डेवलपर्स के सागर भाऊ देशमुख और तुषार भाऊ पाटिल इनसे गुजारिश होगी कृपया हमारे साथ जुड़े। मैन ऑफ द मैच जो कि एरंडोल वर्सेस जो कि पाचोरा वर्सेस जामनेर के बीच मुकाबला खेला गया था उस मुकाबले के मैन ऑफ द मैच लतिकेश इनसे गुजारिश होगी अपना मैन ऑफ द मैच लेने के लिए हमारे साथ कॉमेंट्री बॉक्स के सामने आए। साथ ही साथ अभी जो मुकाबला हुआ था टीम पाचोरा 11 वर्सेस अनंत मावली डेवलपर्स इस मुकाबले के मैन ऑफ द मैच अभिषेक पाटिल इनसे भी गुजारिश होगी कि अपना मैन ऑफ द मैच लेने के लिए आए। और इस मैन ऑफ द मैच देने के लिए हमारे साथ सागर भाऊ देशमुख साथ ही साथ तुषार भाऊ पाटिल इस मैन ऑफ द मैच को देने के लिए जुड़ेंगे और अनंत मावली डेवलपर्स की ओर से अभिषेक पाटिल इस मुकाबले के मैन ऑफ द मैच। साथ ही साथ इसके पहले एक मुकाबला खेला गया था उसमें एमएसपी पाचोरा की ओर से लतिकेश इनको ये मैन ऑफ द मैच प्रदान किया जा रहा है। बैटिंग टीम से विनंती होगी कृपया अपना एक अतिरिक्त प्लेयर कमेंट्री बॉक्स में भेजे। बैटिंग संघाला विनंती असेल लवकरात लवकर आपला एक अतिरिक्त खिलाड़ू कमेंट्री बॉक्स मध्ये पाठवण्यात यावा। ये मुकाबला एक और धमाकेदार मुकाबला आपके सामने होगा लेकिन इसके पहले मैन ऑफ द मैच दिया जा रहा है इस मुकाबले का अनंत मावली डेवलपर्स की ओर से अभिषेक पाटिल मैन ऑफ द मैच। अभिषेक पाटिल इनसे गुजारिश होगी कृपया अपना मैन ऑफ द मैच लेने के लिए आए। अभिषेक पाटिल इनको ये मैन ऑफ द मैच दिया जा रहा है एक बहुत आतिशीय पारी। साथ ही साथ लतिकेश इनको इसके पहले मैन ऑफ द मैच प्रदान किया गया। बढ़ते मैच की ओर ये मुकाबला शुरू होता हुआ एक तरफ टीम मेगास कलेक्शन एंड मिस्टर रोल वाला जिन्होंने टॉस जीतकर आमंत्रित किया है बल्लेबाजी करने के लिए टीम सामने 11। पहली गेंद पर धावा बोला है और गेंद को भेजा है काउ कॉर्नर रीजन में वन बाउंस चार रनों के लिए। धमाकेदार अंदाज में शुरुआत होती हुई इस मुकाबले की भी स्लाइटली ओवर पिच गेंद उसका भरपूर फायदा उठाते हुए बल्लेबाज जयेश पाटिल पहली गेंद पर बाउंड्री के साथ शुरुआत होती हुई जितेंद्र जवलकर इनके ऊपर पहली गेंद पे प्रहार किया है। जितेंद्र गेंदबाजी मार्ग पे आए हैं टॉस जीतकर पहले फील्डिंग करने का फैसला इस मुकाबले में टीम मेगास कलेक्शन एंड मिस्टर रोल वाला इनकी ओर से। स्कोरबोर्ड पर चार रन लग चुके हैं पहली गेंद पे बाउंड्री काउ कॉर्नर रीजन में एक उम्दा शॉट देखने को मिला पहली गेंद पे। शायद गेंदबाज ने भी एक्सपेक्ट किया नहीं होगा कि इस प्रकार का धावा बोलेंगे बल्लेबाज जयेश पाटिल ऑन स्ट्राइक नजर आएंगे इस मुकाबले में। बॉलिंग मार्क पर जितेंद्र अगली गेंद लेकर तैयार ये अच्छी गेंद थी सम्मान दिया इस मरतबा शॉट गेंद देखने को मिलती हुई पावर प्ले चल रहा है तीन खिलाड़ी सर्कल के बाहर फील्ड रिस्ट्रिक्शन अप्लाई उसका फायदा उठाने की कोशिश जरूर करेंगे बल्लेबाज। पिछले मुकाबले में टीम सामने 11 एक बड़ा लक्ष्य जरूर रखा गया था लेकिन उस लक्ष्य को डिफेंड करने में नाकामयाब रहे। एक और अच्छी गेंद यहाँ पर जितेंद्र द्वारा फिर से थोड़ा सा बल्लेबाज को खामोश रखने में कामयाब होते हुए रन संख्या की बात की जाए स्कोरबोर्ड पर चार रन लग चुके हैं। इस बार ज्यादा रूम दिया था मौका था बल्लेबाज के पास और बहुत ही अच्छा शॉट जड़ा है गेंद जाती हुई वन बाउंस चार रनों के लिए।
चुके हैं। प्रगति पर पहला ओवर चलता हुआ, नितिन पाटिल सर इनका हम स्वागत करते हैं। मराठा क्रिकेट लीग सीजन 4 में नितिन पाटिल सर इनका शुभ आगमन होता हुआ उनका स्वागत रहेगा। चुके हैं लॉस ऑफ 0 विकेट, अच्छी शुरुआत डॉट गेंद के साथ। पहले ओवर की समाप्ति होती हुई, एक ओवर की समाप्ति के बाद रन संख्या की अगर बात की जाए स्कोर बोर्ड पर 12 रन, पहले ओवर से 3 बाउंड्रीज आई है। बहुत ही बढ़िया तरीके से इस टूर्नामेंट का आयोजन देखने को मिलता हुआ और एक बहुत ही बड़ा प्लेटफॉर्म अगर देखा जाए तो मराठा क्रिकेट लीग 2024 सीजन 4 साल दर साल अगर देखा जाए इस टूर्नामेंट का स्तर बड़ा है और इसके पीछे प्रमुख वजह यहाँ पर जो आयोजन देखने को मिला है। एक बार फिर से बॉलिंग मार्क पे अगला ओवर लेकर गेंदबाजी का भार संभालेंगे अर्जुन अपने कोटे का पहला, टीम के लिए दूसरा ओवर लेकर। पहले ओवर में 3 बाउंड्रीज 3 डॉट गेंदे, इवेंटफुल ओवर देखने को मिला और अगर देखा जाए तो आज के दिन लगातार हर मुकाबले में थोड़ा सा बल्लेबाज हावी नजर आए हैं, लगातार यहाँ पर रन बनते हुए नजर आए हैं। अर्जुन अगली गेंद लेकर तैयार, ये अच्छी गेंद थी, यहाँ पे क्विक सिंगल लेने का प्रयास था। पहले अटेम्प्ट में अगर गेंद को कलेक्ट करते तो शायद मौका बन सकता था रनआउट का। इस बीच आसानी से सिंगल पूरा होता हुआ, सिंगल के मदद से रन संख्या आगे बढ़ती हुई स्कोर बोर्ड पर 13 रन। जैसे जैसे समय आगे बीतता है यहाँ पर दर्शकों की भीड़ बढ़ती है, यही चित्र देखने को मिले पिछले दिन भी और अब इस मुकाबले को देखने के लिए लगातार दर्शक ग्राउंड पर उपस्थित है साथ ही साथ यूट्यूब लाइव के माध्यम से। ये शॉट कमाल का है और देखा जाए तो बहुत ही बढ़िया संपर्क, गेंद मैदान के बाहर 6 रनों के लिए। मदद से लगातार तेज रफ्तार से आगे बढ़ती हुई नजर आ रही है, इसी शुरुआत की दरकार थी। फिर से एक बार पॉइंट के गैप में खेला इस शॉट को, आउटफील्ड तेज, करारा जवाब, रन मिलेंगे 4। संख्या आगे बढ़ती हुई इस मुकाबले में 23 रन स्कोर बोर्ड पे लग चुके हैं। प्रगति पर चलता हुआ महज दूसरा ओवर, पावर प्ले में आवश्यकता थी एक अच्छी शुरुआत की और वो शुरुआत दिलाई है दोनों ही सलामी बल्लेबाज। खास तौर पे अगर देखा जाए बल्लेबाज जयेश पाटिल 8 गेंदे 22 रनों की पारी देखने को मिलती हुई, पॉइंट की दिशा में एक बहुत बड़ा गैप था उस गैप को भेदा। इस बार सामने की ओर कोई मौका देंगे नहीं, साइड स्क्रीन की तरफ गेंद 6 रनों की। कोर्ट पे लगातार आक्रमण किया है इस मरतबा इस ओवर में गेंदबाज अर्जुन, फिर से एक बार गेंद उड़ी है स्टैंड्स में जाके जुड़ी दर्शक दीर्घा में 6 रनों के लिए, एक और बड़ा हिट आता हुआ। सबरेट की मदद से स्कोरबोर्ड पे 35 रन, 10 गेंदे 34 रनों की पारी। जयेश पाटिल मैन ऑन फायर, इस बार बाहरी किनारा, बेहतर रिफ्लेक्सेस होते तो शायद ये कैच बन सकता था, प्रयास भरपूर किया विकेटकीपर ने, कैच ड्रॉप देखने को मिलता हुआ अंतिम गेंद पर। इसी के साथ पावर प्ले समाप्त होता हुआ, दो ओवर के बाद रन संख्या जा पहुंची है स्कोरबोर्ड पर 35 रन, लॉस ऑफ 0 विकेट। ये शुरुआत दुरुस्त है, ये शुरुआत धमाकेदार है इस मुकाबले में। टीम सामनेर के लिए टॉस जीता टीम मेगास कलेक्शन एंड मिस्टर रोल वाला ने, लेकिन अब तक अगर देखा जाए कोई चीज़ उनके पक्ष में गई नहीं है। पहली दो ओवर थोड़ी सी महंगी साबित होती हुई, यहाँ से इस मुकाबले में कमबैक करना ज़रूरी रहेगा, बल्लेबाजों को रोकना ज़रूरी रहेगा अन्यथा ये स्कोर एक बड़े स्कोर में तब्दील होगा। पहली गेंद घुमाने का प्रयास हुआ, एकनाथ बॉलिंग मार्ग पे आए अपने कोटे का पहला ओवर, टीम के लिए तीसरा ओवर लेकर।
पहले दो ओवर में अगर देखा जाए तो 35 रन बने हैं। एक और पटकी हुई गेंद थी, यहाँ पे गेंद ऊपर गई है, दो खिलाड़ियों के बीच थोड़ा सा मिसकम्युनिकेशन, लेकिन अंततः इस कैच को कंप्लीट किया। पहला झटका लगता हुआ एक और विकेट यहाँ पर जाता हुआ, नए बल्लेबाज किरण आते हुए बैटिंग का भार संभालने के लिए, टीम के कप्तान अब टीम की जिम्मेदारी संभालेंगे। पहला झटका इस मुकाबले में लगता हुआ, शुरुआत बहुत अच्छी रही है टीम सामनेर के लिए इस मुकाबले में अगर देखा जाए तो, इस शुरुआत को एक बड़े स्कोर में तब्दील करना अनिवार्य, क्योंकि ये उनके लिए एक बहुत महत्वपूर्ण मुकाबला है इस ग्रुप डी की अगर बात की जाए तो, क्योंकि पहला मुकाबला गंवाना पड़ा था और अपने आप को अगर इस टूर्नामेंट में जीवित रखना होगा तो इस मुकाबले को जीतना बहुत ज़रूरी रहेगा उनके लिए। फिर से एक अच्छी गेंद थी, एक और बार अक्रॉस द लाइन जाकर घुमाने का प्रयास जरूर, अच्छी गेंद पेश करते हुए फिर से एक डॉट बॉल। MCL मराठा क्रिकेट लीग मराठा रन संग्राम 2024 सीजन 4 आप देख रहे, आज का दूसरा दिन, दूसरे दिन का खेले जा रहा है सातवां मुकाबला आपके सामने। कदमों का इस्तेमाल करके डांसिंग डाउन द ट्रैक, बड़ा हिट खेलने की कोशिश, संपर्क उतना अच्छा था नहीं, एक और विकेट का पतन। पर पतन होता हुआ, कप्तान किरण अपने टीम के लिए कुछ खास नहीं कर पाए और अपना विकेट खोना पड़ा। टॉस जीतकर पहले फील्डिंग करने का फैसला, पहली दो ओवर जरूर महंगी रही थी लेकिन इस ओवर में अच्छा कमबैक देखने को मिलता हुआ। मेगास कलेक्शन एंड मिस्टर रोल वाला टीम की ओर से तीसरा ओवर परिवर्तन जरूर किया गया था और निश्चित तौर पर यहां पर तारीफ करनी पड़ेगी, अच्छी कैप्टनसी देखने को मिली और विकेट का पतन होता हुआ। नए बल्लेबाज बैटिंग का भार संभालने के लिए आते हुए तुषार विशाल, स्कोरबोर्ड अभी भी वहां रुका हुआ, यहां पर पावर प्ले के बाद रुका था, 35 रन स्कोरबोर्ड पे लग चुके हैं। फिर से एक बार अगली गेंद लेकर गेंदबाजी मार्ग पे गेंदबाज तैयार नए बल्लेबाज विशाल, यहां पर बल्लेबाजों को थोड़ा सा जिम्मेदारी के साथ खेलना जरूरी। ओ कमाल की गेंद थी, पड़ने के बाद वो अतिरिक्त उछाल देखने को मिली, एक तेज गेंदबाज हमेशा ही पसंद करेगा, विकेट प्लस मेडन ओवर यहां पे देखने को मिलता हुआ, कमाल की गेंदबाजी, इस टूर्नामेंट का पहला मेडन ओवर और साथ ही साथ ओवर की समाप्ति, तीन ओवर के बाद रन संख्या जा पहुंची है 35 रन स्कोर बोर्ड पे, जबरदस्त ओवर देखने को मिला और बहुत ही बढ़िया कमबैक इस मुकाबले में अगर देखा जाए टीम मेगास कलेक्शन एंड मिस्टर रोलवाला की ओर से। जरूर शुरुआत उतनी बढ़िया रही नहीं थी, पहले दो ओवर थोड़े से महंगे साबित हुए लेकिन उसके बाद अच्छा कमबैक, तीन ओवर पे 30 रन स्कोर बोर्ड पे। अगला ओवर लेकर बॉलिंग मार्क पे गेंदबाजी का भार संभालते हुए जीतू निंबाड़कर गेंदबाजी मार्क पे, अपने कोटे का पहला ओवर टीम के लिए, चौथा ओवर लेकर चौथे ओवर में चौथे गेंदबाज का इस्तेमाल देखने को मिलता हुआ। सामने इलेवन की अगर बात की जाए, जयेश पाटिल अब स्ट्राइकिंग एंड पर होंगे, 11 गेंदे 34 रनों की पारी, दूसरे एंड से विकेट गिरी है लेकिन जयेश पाटिल वो अनोखा अंदाज उनका देखने को मिलता हुआ, ओवर कवर शॉर्ट आर्म जैब, गेंद 4 रनों के लिए। आए 12 गेंदे पेश किए, 38 रनों की पारी और अपने टीम को आगे लेकर जाते हुए इस मुकाबले में, ये अच्छी गेंद पड़ने के बाद थोड़ी सी तेज आई है गेंद,
इसीलिए थोड़ा सा बैकफुट पर खेलना ही सही समझा, बिल्कुल सही सोच जयेश पाटिल की। जानते कि उन पर एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी रहेगी इस पारी को एक अच्छे स्कोर की ओर लेकर जाने की, जिम्मेदारी को समझना होगा। तीन ओवर दो बॉल 39 रन, दो विकेट के नुकसान पर रन संख्या। ओहो कमाल का ये शॉट, ब्रेक ऑफ द रिस्क इन टू द स्टैंड्स, गेंद मैदान के बाहर 6 रनों के लिए। पे और 45 में के 44 रन आए हैं बल्लेबाज जयेश पाटिल के नाम, कमाल की पावर हिटिंग। सामने की ओर करारा प्रहार लेकिन उतनी अच्छी फील्डिंग लॉन्ग ऑन के क्षेत्र में देखने को मिलती हुई, निश्चित तौर पे अपनी टीम के लिए कुछ महत्वपूर्ण रन बचाए। अच्छी फील्डिंग एफर्ट्स देखने को मिली है इस मुकाबले में टीम मेगास कलेक्शन एंड मिस्टर रोलवाला की ओर से। तीन ओवर चार बॉल 46 रन, लॉस ऑफ टू विकेट इस मुकाबले का स्कोर अब तक। टॉस जीतकर पहले फील्डिंग करने का फैसला, शुरुआत बाहरी किनारा गैप में गेंद जा रही है, फ्लाइंग स्लिप और गली के रीजन में जब तक फील करते एक रन आसानी से पूरा होता हुआ। सिंगल के मदद से रन संख्या आगे बढ़ती हुई 47 रन स्कोर बोर्ड पे लग चुके हैं। दर्शक धीरे धीरे बढ़ते हुए ग्राउंड के ऊपर, साथ ही साथ tenniscricket.in के माध्यम से कई सारे दर्शक जुड़े हैं, उन सभी का स्वागत करते हैं MCL 2024 सीजन 4 में मराठा क्रिकेट लीग, मराठा रन संग्राम 2024। हल्के हाथों से गेंद को प्लेस किया, यहाँ पे समझदारी वाली बल्लेबाजी। जानते कि इस ओवर में ऑलरेडी 12 रन आ चुके थे, आखिरी गेंद यहाँ पर सिंगल लेने का वह प्रयास हुआ और आसानी से सिंगल पूरा। चार ओवर के बाद रन संख्या 48 रन स्कोर बोर्ड पे, लॉस ऑफ टू विकेट, चार ओवर का खेल अभी भी बचा है। अच्छी गेंद यहाँ पर हल्के हाथों से प्लेस करने की कोशिश, एकनाथ बॉलिंग मार्क पे आए हैं। कमाल की गेंदबाजी पिछले ओवर में, मेडन ओवर और इस ओवर की शुरुआत भी डॉट गेंद के साथ। शॉर्टर फॉर्मेट ऑफ द गेम में लगातार 7 गेंदें डॉट करना निश्चित तौर पे एक बहुत बड़ी चीज़ होती है। पिछला ओवर मेडन, इस ओवर की शुरुआत डॉट बॉल के साथ और यहाँ पर ये कुछ अलग शॉट देखने को मिला, जरूर मुस्कुराहट बल्लेबाज के चेहरे पर भी देखने को मिली। पल्ला कहीं और घुमाया, गेंद कहीं और गई लेकिन रन जरूर मिले। सिंगल वहां पर 150 रन स्कोर बोर्ड पर, लॉस ऑफ टू विकेट प्रगति पर चलता हुआ ये पांचवा ओवर जिसको पूरा करते हुए एकनाथ काकड़े। कमाल के अब तक बॉलिंग फिगर्स देखने को मिले इस गेंदबाज के, कदमों का इस्तेमाल करके बड़ा हिट खेलने की कोशिश। आउटफील्ड में काफ़ी तेज है फील्डर, एक ही रन से संतुष्ट रहना पड़ेगा, दूसरा रन लेना चाहते थे, मना किया स्ट्राइकिंग एंड से, बिल्कुल सही कॉल। सिंगल के मदद से 50 रन स्कोर बोर्ड पे लग चुके हैं। अभी भी अगर देखा जाए तो 21 गेंदों का खेल आना बाकी है इस मुकाबले में और यहाँ से देखना पड़ेगा इस स्कोर को कहाँ तक लेकर जा पाते हैं दोनों ही बल्लेबाज। जयेश पाटिल जब तक क्रीज पर रहेंगे टीम थोड़ी सी आश्वस्त रहेगी कि एक बड़ा स्कोर की ओर अपनी टीम को लेकर जा सकते हैं, क्योंकि जिस तरीके से बल्लेबाजी की है जयेश पाटिल के, 47 रन, टीम का स्कोर 50 रन, अब तक सिंगल हैंडेडली इस बल्लेबाज ने अपनी टीम को इस बैटिंग ऑर्डर में आगे लेकर गए हैं। सामने रिलेवन, पहले बल्लेबाजी कर रही है इस मुकाबले में, फिर से अगली गेंद एकनाथ की। अच्छा शॉट लगाया बैकफुट से, पीछे खिलाड़ी मौजूद जरूर है। मिसफील्ड वहां पर देखने को मिलती हुई, चार रन निश्चित तौर पे मिलेंगे।
बात की जाए महज 6 रन दिए अब तक इस स्पेल में, कुल मिलाकर 11 गेंद कर चुके हैं, 2 विकेट उनके नाम, एकमात्र सफल गेंदबाज। फिर से पटकी हुई गेंद थी, हल्के हाथों से गेंद को धकेला, आखिरी गेंद शायद अपने पास, स्ट्राइक रखने की सोच बुरी नहीं, सिंगल जरूर मिलेगा। 5 ओवर की समाप्ति के बाद रन संख्या 55, 55 रन, लॉस ऑफ 2 विकेट, यहां से अभी भी 18 गेंदों का खेल आना बाकी। इसके बाद होने वाला अगला मुकाबला श्री बालाजी जलगांव वर्सेस श्री क्रिकेट क्लब जलगांव के बीच, दोनों ही टीम से गुजारिश होगी अपनी प्लेइंग 11 सबमिट करें और टॉस के लिए रेडी रहे। इस मुकाबले की पहली इनिंग के बाद अगले मुकाबले का टॉस किया जाएगा, श्री बालाजी जलगांव वर्सेस श्री क्रिकेट क्लब जलगांव के बीच। अक्षय बॉलिंग मार्क पर, अगला ओवर लेकर गेंदबाजी का भार संभालेंगे। पहली गेंद बड़ा हिट खेलने की कोशिश जरूर, पहली गेंद पर सिंगल जरूर आया है, सिंगल के मदद से रन संख्या में बढ़ोतरी, स्कोर बोर्ड पर 56 रन लग चुके हैं, 2 महत्वपूर्ण बल्लेबाजों का विकेट खोया है। यहाँ से 17 गेंदों का खेल आना बाकी और देखना पड़ेगा 17 गेंदों में और कितने रन बना पाते हैं इस पहले इनिंग में, कम से कम अगर देखा जाए 85-90 रन बनाने की सोच रहेगी। और यहाँ पर मौका और बहुत ही अच्छे अंदाज में इस कैच को कंप्लीट किया, एक और विकेट। मुकेश द्वारा देखने को मिला, कोई गलती नहीं पॉइंट के रीजन में, जबरदस्त कैच, एक और विकेट का पतन होता हुआ और अब नए बल्लेबाज क्रीज पर जाते हुए विनोद। विनोद आए हैं नए बल्लेबाज बैटिंग का भार संभालने के लिए, फिर से अगली गेंद लेकर के इन पास तैयार। इस बार बलेट का प्रयास किया है, स्वागत किया है भव्य दिव्य तरीके से इस बलेट के साथ, आते ही मैक्सिमम। अगर एक्शन की बात की जाए थोड़ी सी झलक जसप्रीत बुमराह जैसी वो एक्शन नजर आती है, जिस प्रकार से भागकर आते हैं। इस बार बाहरी किनारा, पिछली गेंद पर वार, अगली गेंद पर गेंदबाज का पलटवार, विकेट का पतन। जाते हुए गौरव पंडित, पिछले मुकाबले में इस बल्लेबाज ने एक बहुत बढ़िया फिनिशिंग टच दिया था और अब फिर से एक बार ही कोशिश रहेगी अपनी टीम को एक अच्छे स्कोर की ओर लेकर जाए। 62 रन के स्कोर पर लगता हुआ चौथा झटका, अक्षय ने अपने पहले ही ओवर में 2 बल्लेबाजों को चलता किया है, एक बड़ा हिट लगने के बाद अच्छी वापसी अक्षय की। इस बार बड़े की कोशिश, फिर से गेंद ऊपर गई है और 3 खिलाड़ियों के बीच में कैच गिरी है, मौका था वहां पे कैच ड्रॉप, साथ ही साथ 2 रन भी मिलेंगे, ठीक तरीके से कैच को जज नहीं कर पाए। 2 रन की मदद से रन संख्या आगे बढ़ती हुई 64 रन स्कोर बोर्ड पे, 5 ओवर 5 बॉल के बाद ये रन संख्या जा पहुंची है। प्रोजेक्टेड स्कोर इसी रन रेट के साथ अगर चलते रहेंगे तो 87 रन बनते हुए नजर आ रहे हैं।
अक्षय पिंपड़े अब तक बढ़िया ओवर देखने को मिला है, दो विकेट ले चुके, एक मौका पिछली गेंद पर भी बनाया था। स्ट्राइकिंग गेंद पर बल्लेबाज गौरव पंडित, इस खिलाड़ी के पास वो कॉन्फिडेंस नजर आता है बल्लेबाजी करते हुए। ओ यहाँ पर बारी किनारा, इस बार विकेट कीपर गलती करेंगे नहीं, एक और विकेट का पतन होता। खेल यहाँ पर बचा है और अब देखना पड़ेगा दो ओवर में कितने रन बनेंगे। 64 रन स्कोरबोर्ड पे लग चुके हैं 6 ओवर के समाप्ति के बाद। प्रदीप आए हैं नए बल्लेबाज बैटिंग करने के लिए, प्रदीप जंजीरे। पिछले मुकाबले में प्रदीप ने भी बाजुएं खोली थी डेथ ओवर्स में, लेकिन ये मुकाबला अलग, क्योंकि यहाँ पर दबाव जरूर होगा आते ही बड़े इट्स खेलने का, क्योंकि 64 रन थोड़ी सी टीम की रन संख्या उतनी हुई नहीं है जितनी पिछले मुकाबले में देखने को मिली थी। बहुत महत्वपूर्ण मुकाबला ये टीम सामनेर के लिए। सामने मेगाज कलेक्शन एंड मिस्टर रोल वाला इस मुकाबले में टॉस जीतकर फील्डिंग करने का फैसला। पहले दौर में 35 रन बन गए थे और वहां पर कोई विकेट भी खोया नहीं था, लेकिन उसके बाद बहुत ही बढ़िया कमबैक देखने को मिला, मेडन ओवर वहाँ पर देखने को मिला और उसके बाद पिछला ओवर अक्षय का जिसमें 3 विकेट आए। कुल मिलाकर 64 रन 5 विकेट के नुकसान पर मुकेश देशमुख टीम के कप्तान अब टीम की कमान संभालेंगे। गेंदबाजी के साथ लीडिंग फ्रॉम द फ्रंट अपनी टीम के लिए देखने को मिलेगी। कमाल की गेंद थी, रफ्तार देखी है और बहुत अच्छी विकेट कीपिंग देखने को मिली। पिछले ओवर की अंतिम गेंद वो कैच अच्छा था, बतौर तेज गेंदबाज क्लोज विकेट कीपिंग करना एक महत्वपूर्ण कार्य रहता है। इस बार सामने की ओर बड़ा हिट एग्जीक्यूट करने का प्रयास, गेंद जाती हुई वन बाउंस पिलर के ऊपर से 4 रनों के लिए। सोच बुरी नहीं थी इस बार, थोड़ा सा गेंद पर चार कोशिश थी फील्डर की। इसके बाद होने वाला अगला मुकाबला टीम श्री बालाजी जलगांव वर्सेस श्री क्रिकेट क्लब जलगांव के बीच खेला जाएगा। दोनों ही टीम से गुजारिश होगी कृपया जल्द से जल्द टॉस के लिए हमारे साथ जुड़े। इस इनिंग के बाद उस मुकाबले का टॉस किया जाएगा। स्कोरबोर्ड पे 68 रन, मुकेश देशमुख बॉलिंग मार्क पे आए हैं। पहली गेंद डॉट, अगली गेंद पर बाउंड्री, बल्लेबाज जयेश पाटिल एक एंड से लगातार अच्छी बल्लेबाजी देखने को मिली है। दूसरे एंड पर विकेट जरूर गिरे, इस बार फॉलो थ्रू में कमाल का प्रयास था। अगर ये कैच को बनाते तो शायद वन ऑफ द बेस्ट कैचेस ऑफ द टूर्नामेंट ये हो सकता था, क्योंकि फॉलो थ्रू में बतौर तेज गेंदबाज इस प्रकार के कैचेस इतने आसान रहते नहीं। वन 70 रन स्कोरबोर्ड पे 5 विकेट के नुकसान पर। अगली गेंद मुकेश की, कवर्स के रीजन में खेलने का प्रयास था, अच्छी फील्डिंग फिर से एक बार रोहित द्वारा। केवल सिंगल से संतुष्ट रहना पड़ेगा, सिंगल के मदद से रन संख्या आगे बढ़ती हुई स्कोरबोर्ड पर 70 रन। यहाँ से अगर देखा जाए तो 8 गेंदों का खेल बचा है और इन आने वाले 8 गेंदों में कितने रन यहाँ पर बनाएंगे वो लक्ष्य रहेगा, यही कोशिश रहेगी 8 गेंदों में ज़्यादा से ज़्यादा रन बनाएं। बड़ा हिट खेलने की फिर से कोशिश, लेकिन एक बार फिर से नतीजा केवल सिंगल मिलेगा। अब तक कमाल का ये ओवर देखने को मिलता हुआ मुकेश द्वारा, मैं 7 रन दिए, सेकंड लास्ट ओवर करना हमेशा एक बड़ी जिम्मेदारी रहती है गेंदबाज के लिए और यहाँ पर टीम के कप्तान ने वो जिम्मेदारी ली। अच्छी सोच, बढ़िया गेंदबाजी, अच्छा शॉट, फिर से थोड़ी सी मिसफील्ड हुई है स्वीपर कवर के रीजन में, एक बार फिर से अच्छा प्रयास होता हुआ। देखना पड़ेगा यहाँ पर पैर क्या इशारा लेकर आते हैं, शायद तीसरे अंपायर की तरफ गए बाउंड्री चेक करने के लिए। अब देखना पड़ेगा कि क्या खिलाड़ी का पैर रोप पर लगा था। रोहित ने वापस सीधा इशारा किया कि तीसरे अंपायर की तरफ जाइए, मुझे भी शायद कुछ समझ में आया नहीं और अब देखना पड़ेगा कि क्या निर्णय आता है कि क्या वो रोप पर पैर लगा था या नहीं। ये देखने लायक चीज़ वही एक चीज़ रहेगी तो यहाँ पर चेक करेंगे, क्योंकि बॉल को तो बाउंड्रीलाइन के अंदर ही स्टॉप कर लिया था, इसमें कोई दुविधा नहीं, लेकिन क्या वो पैर बाउंड्री रोप पे लगा था या नहीं यही चेक करेंगे।
इसके बाद होने वाला अगला मुकाबला श्री बालाजी जलगांव वर्सेस श्री क्रिकेट क्लब जलगांव के बीच रहेगा। और यहाँ पे चार रनों का इशारा अंपायर की तरफ से आता हुआ और रन संख्या इस बाउंड्री के मदद से आगे बढ़ती हुई 75 रन स्कोर बोर्ड पे लग चुके हैं। सात ओवर का खेल समाप्त होता हुआ अभी भी अगर देखा जाए इस पहले इनिंग की 6 गेंदों का खेल आना बाकी। बॉलिंग मार्क पे फिर से एक बार नजर आते हुए अक्षय गेंदबाजी मार्क पे सामना करेंगे बल्लेबाज जयेश पाटिल। कमाल की पारी 26 गेंदें 160 रनों की वो पारी जिसके वजह से अगर देखा जाए टीम का स्कोर अभी भी 75 रनों पर जा पहुंचा है। लगभग अगर देखा जाए तो 85-90% रन एक ही बल्लेबाज के द्वारा आए हैं इस पारी में जयेश पाटिल। पहली गेंद अक्षय की एक और बार बड़ा हिट खेलने की कोशिश जरूर। मिड विकेट के रीजन से पहला रन तेजी से पूरा किया। दूसरे रन की कोशिश थ्रो बढ़िया लेकिन विकेट कीपर के रेंज से थोड़ा सा दूर। आसानी से यहाँ पे 2 रन पूरे। 2 रन की मदद से रन संख्या 77 रन स्कोर बोर्ड पर लग चुके हैं। 5 गेंदों का खेल अभी आना बाकी इस पहले इनिंग की 5 गेंदें अभी आना बाकी है। बॉलिंग मार्क पर अक्षय पिंपड़े। इनके एक्शन के बारे में हम लगातार बात कर रहे हैं। वो जसप्रीत बुमराह जैसा एक्शन नजर आता हुआ राउंड विकेट से गेंदबाजी कर रहे हैं। बड़ा हिट खेलने की कोशिश गेंद ऊपर तो बहुत गई है शायद ज्यादा दूर नहीं। नीचे खिलाड़ी कैच पकड़ा है लेकिन एक कमाल की पारी यहां पर एक फाइटिंग नॉक देखने को मिला है। पे 6 विकेट के नुकसान पर 7 ओवर 2 बॉल का खेल समाप्त होता हुआ। अच्छी गेंदबाजी अक्षय द्वारा फिर से एक बार बड़ा हिट खेलने की कोशिश थी। थोड़ा सा चकमा दिया गेंद ने। 2 रन जरूर आसानी से पूरे होंगे। पॉइंट के रीजन में जो खिलाड़ी फील्डिंग कर रहे हैं रोहित पाटिल उनके बारे में हमें अभी अभी बताया गया कि वो महाराष्ट्र को रिप्रेजेंट करते हैं एथलेटिक्स में। एक बहुत अच्छे खिलाड़ी बहुत अच्छे प्लेयर नजर आए हैं निश्चित रूप से एक बहुत बड़ी बात जलगांव के लिए भी कि एक ऐसा खिलाड़ी जो महाराष्ट्र को रिप्रेजेंट कर रहा है एथलेटिक्स में। इस बीच अक्षय फिर से बॉलिंग मार्क पर तैयार राउंड विकेट से बड़ा हिट खेलने की कोशिश। इस बार संपर्क बढ़िया है नतीजा 6 रन और अंपायर मयूर सर अपने अंदाज में इशारा देते पर लग चुके हैं। अब तक अगर इस ओवर की बात की जाए तो इस ओवर में 10 रन आए हैं जिसमें एक विकेट चटका चुके अक्षय। कुल मिलाकर 4 विकेट अब तक इनके नाम। इस बार गेंद ऊपर गई है ज्यादा दूर नहीं लीडिंग एज नीचे विकेट कीपर पकड़ा है कैच और ये पंजा खोला है अक्षय ने। पिछले मुकाबले में भी यही चित्र देखने को मिले थे गेंदबाज द्वारा और इस मुकाबले में फिर से एक बार नए बल्लेबाज बल्लेबाजी करने के लिए भगवान। इसके बाद होने वाला अगला मुकाबला श्री बालाजी जलगांव वर्सेस श्री क्रिकेट क्लब के बीच खेला जाएगा। दोनों ही टीम से गुजारिश होगी कृपया टॉस के लिए कमेंट्री बॉक्स के सामने आए। स्कोरबोर्ड पर 85 रन 7 विकेट के नुकसान पर आखिरी गेंद फेस करने के लिए इस मुकाबले की भगवान। लेकिन कमाल की गेंदबाजी अक्षय पिंपड़े द्वारा एक ओवर 5 बॉल 19 रन और 5 महत्वपूर्ण विकेट।
शॉर्टर फॉर्मेट ऑफ द गेम, एक और बार एक गेंदबाज पंजा खोलता हुआ, अक्षय पिपड़े आखिरी गेंद लेकर तैयार। फुल टॉस गेंद, बड़ा हिट खेलने की कोशिश, गेंद ऊपर पीछे खिलाड़ी, क्या कमाल का ये सेव है। ये जो रन यहाँ पर बचाए है ये शायद अगले इनिंग में आपको काम में आते हुए देखने को मिलेंगे। इस बीच अपील हुई थी, आउट का इशारा, जहाँ पर 6 रन होने चाहिए थे वहाँ पर सिर्फ 1 रन आया है और इसी के साथ ये पारी समाप्त होती हुई। रन संख्या 86 रन और जीतने के लिए इस मुकाबले में 87 रनों की आवश्यकता।
टॉस साठी लगेच या। बैटिंग टीम आपला एक्स्ट्रा खेळाडू पाठवा कमेंट्री बॉक्स मध्ये, अन्यथा दोन धावांची पेनल्टीला आपल्याला सामोर जावे लागेल। बैटिंग टीम नमस्कार प्रेक्षको, स्वागत है जळगाव जिल्हा एकता मराठा फाउंडेशन प्रेजेंट जळगाव च्या शहरातील एक नामांकित स्पर्धा आपण पाहत आहात। मराठा क्रिकेट लीग चा थरार एक चित्त थरार लढत मैदानाच्या आत मध्ये पार पडते, परंतु यानंतरच्या क्रिकेट संघ विरोधात श्री क्रिकेट संघ टॉस होतोय आणि कॉल असणार आहे श्री क्रिकेट संघाचा। हेड इज अ कॉल एंड हेड, टॉस जिंकला आहे या सामन्यात श्री क्रिकेट संघाने, तर टॉस जिंकला आहे काय निर्णय असणार आहे? बॉलिंग करणार आहोत आम्ही आज फर्स्ट। बॉलिंगचा निर्णय, संध्याकाळचं सत्र प्रकाश झोतात ही लढत होताना पाहायला मिळेल, तर किती धावापर्यंत रोखण्याचा प्रयत्न असेल समोरच्या टीमला? समोरच्या टीमला आम्ही कमीत कमी 80-90। तर खूप साऱ्या स्वागत है आप सर्वांचं। जळगाव जिल्हा एकता मराठा फाउंडेशन प्रेजेंट मराठा क्रिकेट लीग आपण पाहत आहात। 14 धावा धावफलकावर बिनगडी बाद, बेचाळीस बॉल मध्ये 73 रन ची गरज या सामन्यात। किशोर पाटील
रोहित सलामीची जोड़ी। मिस्टर रोलवाला एंड मेगा कलेक्शन या टीम ने लक्ष्याचा पाठलाग करण्यासाठी सलामीची जोड़ी। समोर जामनेर संघ, पहिल्या मैच मध्ये जामनेर संघाला पराजयाचा धक्का बसला, ती या मैच मध्ये विजय नोंदवतील का हे बघायचं आहे। अक्रॉस द लाइन, व्हाट अ शॉट, बॉल सीमा पार, षटकार। फटका, एक वेगळ्या टांसने हा बॉल पाठवलाय अगदी मंचावर मां तुळजा भवानीचा आशीर्वाद घेण्यासाठी। आणखी एक वेळ मागच्या बॉलचा ऍक्शन रिप्ले, अगदी त्याच जागेवर हा फटका। रोहित महाराष्ट्राचा धावपटू, यावेळी आणखी एक स्वीप लगावण्याचा प्रयत्न होता, सिंगल रन, सहजतेने सिंगल मिळेल महाराष्ट्राचा धावपटू रोहित। दुसऱ्या धावीची मागणी आणि आता दुसरी धाव कंप्लीट होताना पाहायला मिळते। महाराष्ट्राला 100 मीटर धावण्याच्या रेसमध्ये, 200 मीटर धावण्याच्या रेसमध्ये रिप्रेझेंट केलं आहे रोहितने, आणि आता रोहित एका वेगळ्याच स्टाईलने बॅटिंग करतोय। अपनी धुन में रहता हूँ मैं, खुद मेरे जैसा हूँ। रोहित ने पुनः एक वेळ हल्ला चढवलाय जामनेर संघाच्या प्रमुख गोलंदाज विनोद पाटील यांच्यावर। यावेळी हुक केलाय, मागे फटका खेळलाय, गॅप शोधत असताना बॉल सीमा पार, फरार। चांगली बॅटिंग करत असताना या सामन्यात रोहित पाटील लीडिंग एज, नजर बघा कुठे होती, बॉलच्या वरच्या टोवर बॉल लागतोय आणि 4 धावा येत आहेत। आणखी एक फुल टॉस, फुल टोल वसूल, बॉल सीमा पार, टोले चंग, षटकार। या सामन्यात रोहित युवा खेळाडू महाराष्ट्राचा धावपटू सध्या धावायला भाग पाडतोय बॉलला मैदानाच्या बाहेर। समोर टाकलेला बॉल अक्रॉस द लाइन, मनगडाचा वापर करत बॉल डीप मिडविकेटला पाठवलाय, चांगलं क्षेत्ररक्षण डीप मिडविकेटला। सिंगलच्या मदतीने षटक समाप्त होत आहेत, दोन षटकांच्या समाप्तीनंतर धावसंख्या 39, 87 धावांच्या आव्हानाचा पाठलाग करत असताना टीम मिस्टर रोलवाला एंड मेगा कलेक्शन जळगाव या ठिकाणाहून धावा करायचे 36 बॉलमध्ये 48, आणि ज्या अंदाजात रोहित पाटील, किशोर पाटील बॅटिंग करत आहेत, जर हाच अंदाज राहिला तर ही टीम लवकर हा सामना जिंकेल। समोरच्या टीममध्ये किरणसारखे एक्सपिरियन्स बॉलर आहेत, ते पलटवार करतील का हे बघायचं आहे। मागच्या मॅचमध्ये 114 धावांचं आव्हान डिफेंड करता आलं नव्हतं टीम जामनेर संघाला, या मॅचमध्ये 87 धावांचं आव्हान ठेवलंय। पंचांना विनंती असेल सामना थोडासा फास्ट घ्या, कारण यानंतर आणखी भरपूर सामने आपल्याला घ्यायचे आहेत। 87 धावांचं लक्ष, पहिल्या डावात कमालीची बॅटिंग केली, जयेश पाटील नावाचं वादळ घोंगावलं, 28 बॉलमध्ये 61 धावा। एकमेव बॅटर आहेत जयेश ज्यांनी दुहेरी आकडा गाठला होता, अर्धशतक झळकावलं मागच्या इनिंगमध्ये। आता या डावात तीच कामगिरी करत असताना फलंदाज रोहित, रोहित खेळता आहेत या सामन्यात 6 बॉलमध्ये 25 वर, किशोर पाटील 6 बॉलमध्ये 14। या स्पर्धेचे शिल्पकार सन्माननीय सागरजी पाटील मुख्य व्यासपीठावरून या सामन्याचा आनंद घेत असताना पाहायला मिळत आहेत। सन्माननीय कार्डे सर अगदी त्यांच्या बाजूला उपस्थित, ही स्पर्धा यशस्वी करणारे हे काही चेहरे आपल्या स्क्रीनवर पाहायला मिळत आहेत। स्पर्धा आयोजन समिती अध्यक्ष सन्माननीय विनोदजी सोनवणे, सचिनजी पाटील,
दीपकजी आडे, सागरजी पाटिल, जयांशु पोल, सुनीलजी पाटिल, अमर पाटिल, विकासजी काकड़े, दिनेशजी पवार, कैलाशजी जगताप, राहुलजी घोरपड़े। फुल टॉस बॉल अक्रॉस द लाइन खेला, थोड़ी सी मिसफील्ड, बैकअप आले लॉन्ग ऑनला, त्यामुळे आणखी एक रन मिळेल एक्स्ट्राच्या स्वरूपात। एकूण जर बघितलं तर सिंगल रन या सिंगलच्या मदतीने धावसंख्या 40 वर पोहोचली आहे, 40 रन। खूप चांगली खेळपट्टी आजच्या दिवसामध्ये खेळताना पाहायला मिळाली। अशफाकजी बागवान यांच्या माध्यमातून या खेळपट्टीची खूप चांगल्या प्रकारे निगा राखल्या जात आहे, कारण जवळपास एका दिवसात 9 सामने एका खेळपट्टीवर होत आहेत, तरीसुद्धा खेळपट्टीला तडा गेला नाही, हे महत्त्वाचं। आणि एका दिवसात ही खेळपट्टी बनवली आहे, ही या खेळपट्टीची खासियत। हर्षल बॉलिंग ट्रॅकवर, हर्षल पाटील, फुल टॉस बॉल समोर खेळलाय क्षेत्ररक्षक लॉन्ग ऑनला, एक्स्ट्रा बाउन्स, तितकाच चांगला अटेम्प्ट, रन वाचवले टीमसाठी, धावा सेव्ह केल्यात, चांगलं क्षेत्ररक्षण पाहायला मिळते। 2 धावा, एकच धाव या बॉलवर घेतली आहे असं चित्र दिसते। सिंगल रन 41, रोहित आणि किशोर पाटील ही सलामीची जोडी। हर्षलचा मागचा सामना विसरण्यासारखाच होता त्याच्यासाठी वैयक्तिक, कारण 7वं षटक जे त्याने हाताळलं होतं त्या षटकात अक्षरशः भरपूर धावा आल्या होत्या। रनअपमध्ये थोडासा व्यत्यय पाहायला मिळतोय, त्यामुळे डेड बॉलचा इशारा। आणि कुठलाही वेगवान गोलंदाज असाल तर रनअप एक वेळ जर चुकीचा झाला तर बॉल टाकण्यापेक्षा थांबलेलं कधी खूप महत्त्वाचं असतं, खूप फायदेशीर ठरतं, कारण एखादा चुकीचा बॉल टाकून मोठा फटका येऊ शकतो, त्यामुळे पुन्हा एक वेळ थांबून दुसऱ्या बॉलसाठी तयार होणं हे गरजेचं, ते केलं हर्षलने। युवा वेगवान गोलंदाज आहे परंतु जाण आहे त्याला क्रिकेटची। ओ, यावेळी एक वेगळ्या धाटणीचा बॉल बाहेर टाकण्याचा प्रयत्न, व्हाईट बॉलचा इशारा। मागचा बॉल एका वेगळ्या स्टाईलने टाकला होता हर्षलने, खास करून मागच्या बॉलवर जर विचार केला तर हा बॉल लेदर क्रिकेट जो डावखुऱ्या हाताच्या बॅटरसाठी इन स्विंग आउट स्विंग बाहेर काढणारा बॉल असतो तसा टाकला होता। आणखी एक वेळ तसाच बॉल टाकण्याचा प्रयत्न, हा खोदून टाकलाय, पुन्हा एक वेळ यॉर्कर लेंथ खोदून काढलाय हा बॉल, सिंगल रन या बॉलवर। सातत्याने हर्षल गोलंदाजी ऑप्टमच्या बाहेर करतोय डावखुऱ्या हाताच्या बॅटरसमोर, युवा वेगवान गोलंदाज छत्रपती वॉरियर्स जामने टीमसाठी। आणि नवा बॉल खूप चांगल्या प्रकारे हाताळला या स्पर्धेत हर्षलने आजच्या संपूर्ण दिवसात जर त्याची कामगिरी पाहिली असेल तर। आणखी एक पायावर टाकलाय हा बॉल, खूप चांगली गोलंदाजी, आतमध्ये कट झाला होता हा बॉल, अक्रॉस द लाईन खेळण्याचा प्रयत्न, आणखी एक डॉट बॉल पेश केलाय। आणि हर्षलने मागच्याही मॅचमध्ये नवा बॉल जेव्हा जेव्हा हाताळला तो इफेक्टिव्ह राहिला, परंतु जुन्या बॉलने त्याला फारसं यश मिळालं नाही, आणि त्याचमुळे मागच्या मॅचमध्ये जामनेर संघ पराजयाचा सामना करावा लागला त्यांना। 43 धावा, 43 रन, विदाऊट लॉस। ओ, यावेळी लिडिंग एज बॉल हवेत आहे, क्षेत्ररक्षकाच्या डोक्यावरून हुलकावणी देऊन बॉल चाललाय, डीप फाईन लेग लॉंग लेगच्या दिशेने, सिंगल रन या बॉलवर मिळेल। आतापर्यंत या षटकात थोडासा संघर्ष करायला लागला हर्षल पाटील यांनी ज्या प्रकारे बॉलिंग केली आहे, 5 बॉलमध्ये आतापर्यंत फक्त 5 धावा खर्च केल्या आहेत। 44 धावा, 44, शेवटचा बॉल या तिसऱ्या षटकामधला। या षटकात थोडासा कमबॅक करत असताना टीम छत्रपती वॉरियर्स जामनेर, तर पंच या ठिकाणी इशारा करतायत बॉलची मागणी होती आहे, आणि या आधीचा बॉल डेड बॉल, बॉल फुटला आहे त्यामुळे डेड बॉलचा इशारा, म्हणजे हा जो बॉल एक सिंगल रन आला होता तो डेड बॉल असेल हा या स्पर्धेचा नियम आहे। मराठा क्रिकेट लीग, मराठ्यांचा रणसंग्राम, जी एस शिवतीर्थ या मैदानाहून थेट प्रक्षेपण, टेनिस क्रिकेट डॉट इनच्या माध्यमातून संध्याकाळचं सत्र। आजच्या संध्याकाळच्या सत्रातला हा दुसरा सामना आहे, एकूण दिवसातील 6वा सामना। बत्तीस बॉलमध्ये 44 रनची गरज या सामन्यात,
हळूहळू प्रेक्षकांची संख्या सुद्धा वाढते आहे आणि जो थोडासा दिवसभर जे ऊन तापते त्यानंतर हा संध्याकाळचा जो थंडावा असतो यामध्ये क्रिकेट खेळणं खूप आनंददायी आणि सध्या तो थंडावा क्रिकेटच्या मैदानावर त्यामुळे खेळाडूंना थोडीशी जर बघितलं तर आता आनंददायी वातावरण खेळण्यालायक वातावरण हवेची झुळूक आहे वातावरणात त्याचा फायदा नक्कीच वेगवान गोलंदाज या नात्याने गोलंदाजांना होतोच 32 बॉल मध्ये 44 रन करायची गरज ओ टॉस ऑफ बॉल अगदी बॅट समोरून उसळलाय अशा प्रकारे बॉल पडल्यानंतर जेव्हा टॉस ऑफ होतात तर बॅटरच्या मनात नेहमी अडचणी हा बॉल बघा बॅट समोरून अतिरिक्त उसळी घेऊन चाललाय विकेट कीपरच्या हातात आणि तो जो पॅच विकेटवर निर्माण झाला आहे त्या पॅचमुळे हा बॉल एक्स्ट्रा बाउन्स होतोय ॲक्शन रिप्ले बघा हा या ठिकाणून बॉल उसळणं थोडंसं कठीण काम आहे बॅटरच्या दृष्टिकोनातून समोर खेळलाय बॉल हवेत क्षेत्ररक्षक फक्त प्रेक्षक बनतील आणि बॉल प्रेक्षकांच्या हवाली
54 धावा, एक रन च्या मदतीने धावसंख्या पुढे सरसावते आहे। 55 रन, 55 लॉस ऑफ वन विकेट, 3.4 चेंडूचा खेळ या ठिकाणी समाप्त होतोय। 32 रनची गरज आहे या सामन्यात। समोर टाकलेला बॉल खोदून काढलाय क्षेत्ररक्षक, लॉन्ग ऑफला चांगला अटेम, प्रयत्न चांगला होता जय यांचा, पूर्णपणे समर्पण करताना पाहायला मिळाले, एक लाजवाब एफर्ट, आणि अशा एफर्टची जरूर गरज असते नेहमी। भगवान यांचा हा बॉल समोर टाकला खोदून काढण्याचा प्रयत्न, लॉन्ग ऑफला अटेम्प्ट खूप चांगला केला जय यांनी। यावेळी लीडिंग एज बॉल हवेत आहे, क्षेत्ररक्षक पुन्हा जय बॉलच्या खाली येत आहेत, यावेळी चुकी होणार नाही, झेल पकडल्या जातोय आणि दुसरा धक्का लागतोय किशोर। मेगा कलेक्शन 57-2 लक्ष या मॅचमध्ये, 87 धावांचा, आणि त्या लक्ष्याचा पाठलाग करत असताना आता सलामीचे दोन्ही फलंदाज बाद झाले आहेत। 57 धावांवर ह्या दोन विकेट, रोहित पाटील 54 धावांवर बाद झाले, 57 हा दुसरा धक्का लागतोय, त्यामुळे दोन्ही सलामीवीरांना बाद केलंय भगवान यांनी। भगवान महाजन दोन्ही विकेट दोन्ही सलामीवीरांना माघारी परतवलंय, विनंती असेल फास्ट सामना खेळा, 24 बॉलचा खेळ शिल्लक, रन करायचे त्या सामन्यात 30। ओ यावेळी हातामधून बॉल निसटला आहे आणि बॉल चाललाय लॉंग स्टॉपला सीमारेषा पलीकडे, चौकार येतोय, चौकारचा इशारा, मागे पडला होता बॉल विकेट कीपर पासून दूरवर, चौकाराचा इशारा येतोय। यावेळी इनसाइड आउटचा प्रयत्न, बॉल हवेत होता, क्षेत्ररक्षक पोहोचत आहेत, नो बॉल प्लस 22 स्वरूपात चौकार, त्यानंतर या बॉलवर सिंगल, तसा हळूहळू लक्ष्याच्या दिशेने वाटचाल करत असताना टीम मिस्टर रोलवाला मेगा कलेक्शन। दुसऱ्या बाजूला छत्रपती वॉरियर्स जामनेर, पहिल्या मॅचमध्ये खूप ताकदीने खेळला हा संघ। ओ यावेळी खाली राहतोय हा बॉल, उसळी नव्हती आणि लॉंग स्टॉपला बॉल, विकेट कीपरला बीट करून चालाय सीमा पार, चौकार, 22 स्वरूपात हा चौकार येतोय, हा या षटकामधला दुसरा चौकार आहे अशा पद्धतीचा। ॲक्शन रिप्ले, बॉल पडला आणि उसळीच नव्हती या बॉलला, घरंगळत बॉल गेला लॉंग स्टॉपच्या दिशेने, आता गोलंदाज करेल तरी काय, अशा प्रकारचे दोन चौकार आले, या आधीच्या बॉलवर चूक त्यांची समजू शकतो परंतु या बॉलवर गोलंदाजाची चूक काय होती। कधी कधी क्रिकेटमध्ये नशिबाची साथ मिळणंसुद्धा खूप गरजेचं आहे, ती मिळाली नाही तर अशा गोष्टी घडतात। आउटसाईड द ऑप्टम टाकलाय, व्हाईट बॉलचा इशारा एका वेगळ्या स्टाईलने देत असताना पंच मयूर, व्हाईट बॉल, अवांतर धाव टीमच्या टोटलमध्ये 68 धावा, 68 लॉस ऑफ टू विकेट, पुन्हा एक वेळ पायावर टाकण्याचा प्रयत्न, लेग स्टंप मिस करतोय आणि आणखी एक व्हाईट बॉल येतोय, आणखी एक व्हाईट बॉलचा इशारा, आणखी एक एक्स्ट्रा,
दबाव वाढला या सामन्यात। आता टीम छत्रपती वॉरियर्स जामनेर संघ दबावात पाहायला मिळतो आहे। या ठिकाणून फार जर बघितलं तर विकेट्स घ्याव्या लागतील हा सामना जिंकायचा तर, कारण 18 रनची गरज आहे आणि 22 बॉलचा खेळ शिल्लक आहे। आणखी एक पायावर टाकण्याचा प्रयत्न, आणखी एक लेग स्टंपला मिस करतो या बॉल। आणि मी सुरुवातीलाच बोललो हर्षल नव्या बॉलने खूप इफेक्टिव्ह बॉलर आहे, परंतु जसा बॉल जुना होतो त्यानंतर या खेळाडूचं कंट्रोल बॉलवरचं सुटते तेच पाहायला मिळतं आहे। पहिला नो बॉल, त्यानंतर 22 चौकार, आता लगातार 3 वाईट बॉल आलेत। पहिलं षटक ज्या खेळाडूने इकॉनॉमिकल टाकलं, हर्षल युवा वेगवान गोलंदाज, जुना बॉल टाकत असताना कंट्रोल प्राप्त करावे लागेल। शॉर्ट ऑफ लेंथ कट केलाय, एका वेगळ्या स्टाईलने हा फटका खेळलाय। दोन्ही पाय हवेमध्ये होते, बॉल थोडासा बघितला तर जाणीवपूर्वक जमिनीवर खेळला, हवेत खेळण्याचाही प्रयत्न केला नाही। ओ पुन्हा आतमध्ये आला हा बॉल, या बॉलिंगसाठी ओळखला जातो हर्षल। पडल्यानंतर आतमध्ये थोडासा अँगलने बोट फिरवली होती बॉलवर, रिव्हर्स स्वीप, क्षेत्ररक्षक आहेत त्या ठिकाणी उपस्थित, त्यामुळे फक्त सिंगल या बॉलवर मिळेल। एक रन या एका धावेच्या मदतीने रिव्हर्स स्वीपचा प्रयत्न होता। मराठा क्रिकेट लीगचा हा थरार, ओ यावेळी बाउन्सर पेश केला होता, समोर आले होते बॅटर, रनआउटची संधी स्ट्रायकिंग एंडला निर्माण होते आहे। तर 71 धावा 5 षटकाच्या समाप्तीनंतर 71 रन करायचे या मॅचमध्ये। आता 16 रनची गरज, 18 बॉलमध्ये 16 धावांची गरज आहे या सामन्यात। पाठ जड आहे टीम मिस्टर रोलवाला मेगा कलेक्शन या टीमचं। दुसऱ्या बॉलला छत्रपती वॉरियर्स जामनेर, MCL सीझन 4 हे दैदिप्यमान आयोजन, संध्याकाळचं सत्र, यानंतर एक मोठी लढत प्रेक्षकांच्या भेटीला येईल। बालाजी क्रिकेट संघ विरोधात श्री क्रिकेट संघ, पायावर टाकलाय, दिशा दिली, दिशा भटकली, दशा खराब आहे, बॉल सीमा पार गेला, चौकार आला। बॉल अतिशय सहजतेने पकडला मैदानाच्या बाहेर, जेव्हा हा बॉल जात होता पायावर टाकला होता बॉल, दिशा दिली या बॉलला आणि संधी होती चौकार लगावण्याची। अर्जुन यांनी चौकार वसूल केला आहे, शॉर्ट पाईन लेगला हा बॉल जातोय, डॉट बॉल पेश करत असताना 5.2 चेंडूचा खेळ समाप्त। अकुटप्प्याचा बॉल, चाबूक शॉट, परंतु क्षेत्ररक्षक आहेत डीप स्क्वेअर लेग डीप मिड विकेटच्या अगदी मधोमध। किशोर आता रन करायचे आहेत 15 बॉलमध्ये, अजूनही 12 या सामन्यात, 15 चेंडू 12 रनची गरज आहे। जळगाव
मिस्टर रोलवाला एंड मेगा कलेक्शन। नवीन बैटर पहला बॉल शॉर्ट ऑफ गुड लेंथ बॉल चल रहा है सीमा पार डीप फाइन लेगला चीरत रन 79 समोर खेळण्याचा प्रयत्न बॅटच्या वरची कडा लागून बॉल खूप वेळापर्यंत हवेत आहे आणि क्षेत्ररक्षकाकडून बॉल सुटतोय कॅच सुटते आहे प्रयत्न चांगला होता रनआउटची संधी आणि आता अखेर रनआउटच्या स्वरूपात फलंदाज धावबाद बॅकफूट वरून कट करण्याचा प्रयत्न डॉट बॉल तर 7 धावांची गरज आहे 12 बॉलचा खेळ शिल्लक बारा चेंडू 7 धावा करायचे आहेत या मॅचमध्ये अखोटप्प्याचा बॉल थोडासा खाली राहिला दिशा दिली आहे स्क्वेअर लेगमध्ये क्षेत्ररक्षक डीपला सिंगल रन फक्त या बॉलवर मिळेल अकरा बॉलमध्ये 6 रनची गरज आहे या सामन्यात कट करण्याचा प्रयत्न होता चांगला बॉल कमी गतीने टाकलाय यावेळी बॉल हवेत खेळलाय क्षेत्ररक्षक स्वतः गोलंदाज बॉलच्या खाली किरण पकड़ला जेल बैटर बाद यानंतर होणारा सामना श्री क्रिकेट संघ विरोधात श्री बालाजी क्रिकेट संघ दोन्ही टीम पहिला मॅच गमावून या ठिकाणी आले आहेत वैयक्तिक दोन्ही संघांनी एक एक सामना गमावलाय त्यामुळे दोन्ही टीमला या सामन्यात विजय संपादन करण्याची खूप गरज जो संघ या ठिकाणी जिंकेल त्यांचं आव्हान जिवंत राहील या स्पर्धेत तो जो संघ पराजित होईल त्यांचं आव्हान संपुष्टात येऊ शकते बॅकफूटवरून कट केलाय सहजतेने सिंगल डावखुरे हाताचे बॅटर प्राप्त करत असताना एक रन या बॉलवर धन्यवाद
82 धावा धावफलकावर 82 रन स्ट्राइकिंग एंडला आता फलंदाज मुकेश देशमुख इनसाइड आउट खेळलाय बॉल हवेत क्षेत्ररक्षक नाही पोहोचू शकले बॉलपर्यंत अजूनही या मॅच मध्ये 4 रनची गरज आहे बॉल शिल्लक आहे 7 या मॅच मध्ये आणखी एक ट्विस्ट बाकी आहे का हे बघायचं आहे 7 बॉल मध्ये 4 धावा करायचे आहेत या सामन्यात जर हे हा येणारा बॉल डॉट आला आणि शेवटच्या षटकात जर 1-2 विकेट पटकावता आल्या तर मात्र मिस्टर रोलवाला अँड मेगा कलेक्शन संघ दबावत येऊ शकतो आणि मागच्या काही षटकांचा विचार केला तर विकेट्स येताना पाहायला मिळत आहेत आडव्या बॅटने लपेटलाय बॉल पाठवलाय आता अगदी सीमापार आपल्या स्टाईलने हा सामना संपवला आहे जितू निंबाळकर यांनी